नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा हमारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो गार्डन का जो है टूर हमने हमारे यहाँ लगाया है। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है। ये वाइट कलर की बालसम है जिसे हम ट्यूड़ी कहते हैं हिंदी में, कितनी बढ़िया ये फ्लावरिंग कर रही है आप देख पा रहे हैं। और मैंने सोचा कि आज मैं आप सभी को गार्डन का टूर दूँ, कितना बढ़िया है देखिए आप ध्यान से। और इसके अलावा मेरे बहुत सारे कलर और हैं, जैसे कि ये वाला देखिए आप, ये पिंक कलर का है, देखिए कितना बढ़िया ये भी खिला हुआ है। ये मानसून का हमारा जो गार्डन है वो है। और इधर में हमने बहुत सारी वो भी लगाई हैं सब्जियां भी, हमने दो प्रकार की सब्जियां लगाई हैं, टमाटर और ककड़ी लगाई हैं। तो पहले तो लेकिन आप फ्लावर्स देख लीजिए कितना बढ़िया है। हमने ये एक बेड में लगाया है, ये देखिए पिंक कलर का है जो आप लोग देखते हैं, ये देखिए ये पिंक कलर का है गुलाब जैसा। तीन प्लांट्स हैं हमारे अभी, इस तो हमने बहुत सारे लगाए थे और कुछ खिल रहे हैं और कुछ नहीं भी खिल रहे हैं। धीरे से हम इसका एक पूरा वीडियो ही बनाएंगे आपके लिए। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है बहुत ही। तो देखिए ये रहा पूरा गार्डन है, इसको मैं आपको एक बार ओवर व्यू देने के लिए देता हूँ कि देखिए कुछ किस तरीके से लगाया है हमारी बेड। ये कितना बढ़िया ये लगा हुआ है। अब मैं आपको टमाटर दिखाता हूँ और भी कुछ पौधे दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा टमाटर का जो है बेड है, हमने इसे लाल मिट्टी में लगाया है। और इधर टमाटर आएंगे, देखिए कुछ टमाटर आ भी चुके हैं, ये देखिए ये लगे हैं कुछ टमाटर, देखिए ये कुछ टमाटर लग रहे हैं। इसकी भी एक पूरी वीडियो बना देंगे हम आज में आपको। वो देखिए वहाँ भी हमने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, ये पूरा बेड में लगाया है। और ये देखिए कॉर्नर्स में हमने गेंदा लगा दिया है, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ बरसात छटेगी, अभी तो बरसात हो नहीं रही है लेकिन जैसे ही बरसात छटेगी और ठंडी आएगी तो ये बढ़ेंगे और ये पूरी एक लाइन बॉर्डर टाइप का पूरे गेंदे खिले रहेंगे। तो हमने अभी से ही लगा दिया। और ये देखिए पूरे टमाटर अभी इसमें आएंगे, उसकी भी मैं आपको वीडियो आगे ला के शेयर करूँगा। कुछ टमाटर हमने यहाँ भी लगाए हैं वही वाले बेड में जिसमें बालसम यहाँ लगा था, ये कितना सारा खिला है। और यहीं हमने और भी टमाटर लगाए हैं, ये देखिए ये टमाटर आ रहे हैं कितने सारे, एक दो। वो देखिए वहाँ पीछे तरफ कितने सारे टमाटर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ चल रही है ग्रोथ सब प्लांट्स की। हमने यहाँ पूरे टमाटर का पैच बनाया है। और ये देखिए यहाँ ये कुछ गेंदे लगे हुए हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। गेंदे के पौधे देखिए हमारे कितने बड़े हो चुके हैं, वो नीचे से देखिए कितना ऊपर तक ये पूरे गेंदे से भर चुका है। अब ये देखिए वही ककड़ी की बेल है जो हमने आपके साथ शेयर करी थी। तो इसके बाद भी एक वीडियो आएगी जिसमें हम हार्वेस्टिंग शेयर करेंगे, लेकिन ये देखिए आप पूरी ये ककड़ी की बेलें लगी थी हमने, जो अभी कुछ तीन चार हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी उसमें हमने आपको इसकी हार्वेस्टिंग दिखाई थी। उसके बाद अभी थोड़े मरने वाले स्थिति में आ गई है और इसने हमें बहुत ककड़ी दी है। हमने 16 ककड़ी तोड़ चुके हैं इसमें से और अभी भी कुछ ककड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए ये पूरा ड्राई हो चुका है, अभी हम इसको वापस से मिट्टी में डाल देंगे जिस तरह इसका निकलेगा बेला का, और फिर हम वापस से लगाएंगे। अभी भी कुछ ककड़ियाँ लगी हैं, जैसे कि वहाँ कुछ ककड़ियाँ लगी हुई हैं अभी, तो अभी उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे बाद में। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये भी ऐसा कुछ है। उसके बाद देखते हैं हमने पूरे गार्डन को ऑर्गेनिक जैसे बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ ये छोटे छोटे वाले टमाटर लग रहे हैं, चेरी टोमेटोस। और यहाँ ये बड़े बड़े वाले टमाटर हैं जो कि लाल भी होने लग गए हैं, ये देखिए पूरे टमाटर लगे हुए हैं। और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इसमें, हम लोग पूरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हम पूरी गार्डनिंग करते हैं। तो देखिए ये टमाटर कुछ लगे हैं, ये हमने एक ऐसा टाइप का एक बनाया है सीमेंट का, उसमें हमने लगाया है ऐसे। यहाँ कुछ डहेलिया लगे हैं और ये कुछ नीला कलर का जो हिबिस्कस है वो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए नीला कलर का हिबिस्कस लगा हुआ है। और ये पूरा हमारा जो है वो है, इसका जो हम पौधे तैयार करते हैं स्पाइडर प्लांट के, वो यहाँ से हम ऐसे तैयार करते हैं। फिर ये कुछ और गेंदे आ जाते हैं, बाकी रेन लिली भी हमने वो लगाई हैं, रेन लिली भी हमने लगाई हैं। यहाँ कुछ और टमाटर लगाए हैं बॉटल में देखने के लिए कि कैसी ग्रोथ होती है। एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट का भी सेक्शन है यहाँ, पूरे एक्सपेरिमेंट। अब ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ हमने कुछ सेवंती लगाई है गुलदाउदी, और ये वाइट कलर की है। उसके बाद यहाँ पे हमने पुदीना लगाया है जो कि अभी फ्लावरिंग में आ गया है, ये देखिए फ्लावरिंग में आ गया है, लेकिन हमें इसके फ्लावर नहीं चाहिए नहीं तो ये मर जाएगा, तो हम इसको हटा के फेंक देंगे। और ये हमने कुछ यहाँ पे
मधुमालती लगाया है। यहाँ पे पूरे हमने मधुमालती भी लगाया है। ये देखिए, ये भी हमने कुछ लगाया है, ये कड़ी पत्ता का प्लांट है, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक चीज़ें हम उगाते हैं और खाने पीने की चीज़ें यहाँ उगती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ ये देखिए कड़ी पत्ता भी लगाया है, देखिए कितना बढ़िया है ये। ये देखिए वहाँ पे हमने जो लगाया है बेला, वो वहाँ का बेड बना था वो है। उसके बाद यहाँ जो हमने बालसम आलसम लगाए थे वो वाला बेड ये रहा। उसके बाद आप ये वाला देखिए, ये हमने जहाँ टमाटर लगाए थे, जो हमारा टमाटर का खेत है वो है ये। उसके अलावा ये देखिए, ये जो हमने बनाए थे टमाटर वमाटर के लिए जो हमने दिखाए थे सीमेंट वाले, वो ये रहे। और उसके अलावा ये देखिए, ये एंट्रेंस है उसकी, उस ऑर्गेनिक फार्म की एंट्रेंस है, ये देख पा रहे हैं आप। बाकी यहाँ कुछ ऐसे गमले लगे हैं, यहाँ भी क्रेटर्स में ये सब सामान लगा हुआ है। और यहाँ हम कुछ खाद टाइप का बनाने की उसमें चल रहे हैं। तो यह रहा इस पूरे गार्डन का ओवरव्यू। देखिए कितना बढ़िया ये गार्डन है, पूरा ऑर्गेनिक सब्जियों से हमने लगाया हुआ है इस गार्डन को, पूरा बढ़िया ही है ये। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।